samurai sword on my back. You don't know how to act. नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन रील पर। इस समय मैं गोवा में हूं और करने आया हूं काइगर की ट्राइब, लेकिन यहां पर मैं अलग अलग वीडियोस आपके लिए कर रहा हूं। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे आप, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें जो तीन ड्राइविंग मोड दिए गए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिसमें तीन ड्राइविंग मोड दिए गए हैं वो कौन कौन से है बता देता हूँ। इको है, नॉर्मल है और स्पोर्ट मोड है। तो तीनों मोड में इसका चरित्र कितना बदलता है ये सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटा सा एक क्विक वॉक अराउंड ले लेते हैं इस गाड़ी का। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं अब इस काइगर को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ वो बातें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसके तीनों ड्राइविंग मोड में। तो अभी मैं नॉर्मल पर चला रहा हूँ, और नॉर्मल पर चलाने पर क्या होता है कि जो आपको डिस्प्ले मिलता है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, माइलेज वगैरह सामने आता रहता है। तो अभी लगभग मैं आज इससे जो पूरे दिन में एक्सपीरियंस किया है, 200 किलोमीटर तक इस गाड़ी को चलाया है, उस दौरान जो मैंने ज़्यादातर गाड़ी को चलाया है उसे नॉर्मल मोड में रखा है, और मुझे लगता है 60 किलोमीटर के आसपास मैंने स्पोर्ट मोड एक्सपीरियंस किया है, और बाकी कुछ बचा जो है मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इको मोड में से ड्राइव किया है। तो इसलिए अगर मुझे जो माइलेज मिल रहा है 12 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से, वो मुझे लगता है कि परफेक्ट है। और अब मैं इसे डालता हूँ सबसे पहले इको मोड में, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो जैसे ही आप इको मोड में इस गाड़ी को डालोगे तो एक अलग तरीके का डिस्प्ले मिलता रहता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और सामने आती रहती हैं जो आपको बताती रहती हैं कि भैया आपका जो परफॉर्मेंस है, आप जो परफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से गाड़ी का आपके बिहेवियर है, तो वो अच्छा लगने वाला है। लेकिन जैसे ही आप इसे स्पोर्ट मोड में डालोगे तो एक रेड बटन आएगा पूरा का पूरा, और इसका कैरेक्टर आपको चेंज हुआ दिख जाएगा, और वहाँ पर इस गाड़ी का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है, और हाई आरपीएम पर आप इस तरह से उड़ने लगते हो जैसे लगता है कि भी बहुत कुछ कर जाएगी। लेकिन जब थोड़ा सा आप चला लेते हो, 80 को पार करते हो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो वहाँ पता चल जाता है कि नहीं भैया एक नॉर्मल गाड़ी है। और यहाँ पर जो मोड दिए गए हैं, क्योंकि सपोज करो आपने इको मोड को डाला हुआ है, इको मोड पर अपनी गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, और सडनली आपको मौका मिल रहा है कि आप इसे जो है स्पोर्ट मोड में डाल रहे हो, तो इसका कैरेक्टर पता चल जाता है। अच्छी बात क्या होती है स्पोर्ट मोड की, जब स्पोर्ट मोड में गाड़ी आपकी जाती है तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पर एक टाइटनेस फील होती है जो कि सपोर्ट करती है जब आप बहुत कुछ करना चाहते हो, तो जो स्पोर्टी कारें होती हैं उस तरह से इसका चरित्र बनने की कोशिश करता है, और बहुत सारी आपको आगे इन्फॉर्मेशन भी उसी अंदाज में दिखने लगती है। लेकिन जैसे ही आप इसे नॉर्मल मोड में डालते हो और आप इसे शिफ्ट करते हो, आगे बढ़ना शुरू करते हो, तो वहाँ पर एक नॉर्मल कार के तौर पर ये बिहेव करना शुरू करती है। तो इन तीनों मोड में मुझे लगता है जो आप सबसे ज़्यादा चलाने वाले हो, इको मोड में चलाने वाले हो, कि जिस तरीके का आपको माहौल मिलता है वहाँ पर, मुझे लगता है कि आपकी जो ज़्यादा खुशी होगी इसके इको मोड में ज़्यादा मिलने वाली है, जहाँ पर आपको बहुत सारा माइलेज मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी दावा करती है 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब वाला माइलेज, और वो वहीं पर आपको हासिल होने वाला है। अगर आप चाहें कि ये सब कुछ आपको हासिल हो जाए स्पोर्ट मोड में, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको मिलने वाला है। अगर आप उस गाड़ी को निरंतर चलाते रहेंगे स्पोर्ट मोड में, तो आप मान के चलिए कि आपका माइलेज 10 के नीचे भी ड्रॉप हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और माइलेज वैसे भी निर्भर करता है कि आप ड्राइव कैसे करते हो। कंफर्टेबल कार है, अच्छा लगता है जब आप इसका ग्रिप समझने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर इसलिए समझ में आएगा, जब आप थोड़ा चला लेते हो ना तो आप इसके यूज टू होने लगते हो, लेकिन जब आप कंपेयर करना शुरू करोगे बहुत सारी गाड़ियों से, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप इसे खरीदो ही नहीं। इसलिए कंपेयर ना करें, जब आप बजट को देखो, जिस तरीके से आपका बजट है, तो वहाँ पर ये आपको सबसे बढ़िया चॉइस के रूप में मिल सकती है, आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन जब आप बजट से ऊपर जाना चाहोगे तो आपको और बड़ी बढ़िया विकल्प मिल जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें इसमें देने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है हाँ लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और जो इसका अंदाज है वो अच्छा लगने वाला है। नॉर्मल मोड में मैं बता दूँ कि ये गाड़ी एकदम नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन कहीं पर आपको जैसे आपको बहुत बार बार शिफ्टिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी और एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ इस गाड़ी के साथ में, क्योंकि मैंने मैग्नाइट चलाया हुआ है, तो मैग्नाइट और इसका इंजन दोनों एक ही है। पर फ़ायदा क्या इसको मिला है कि इसका जो बॉडी का
डिज़ाइन बनाया गया है वो ज़्यादा एरोडायनेमिक है, तो आपको ये ज़्यादा फुर्तीली वाली गाड़ी लगेगी, ज़्यादा फुर्तीपन इसमें नज़र आता है। तो वहाँ पर ये चीज़ इस गाड़ी के फेवर में जाती है। जो इसका लुक है वो दूसरे तरीके से इन्हेंस करने की कोशिश की गई है, और उसमें फ़ायदा क्या हुआ है, उसमें फ़ायदा हुआ है इसकी जो जहाँ पर ड्राइवेबिलिटी की बात करते हैं, आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है, इस काइगर को, और ये काइगर आपको वहाँ पर पसंद आने लगती है। काइगर को बहुत अच्छे से पिरोया गया है, बहुत सारे अच्छे अंदाज में देने की कोशिश की गई है, और ये अंदाज ऐसे हैं जहाँ पर आपको बहुत कुछ खुशी मिल जाती है। तो ओवरऑल माइलेज आप बोलेंगे तो मैं बता दूं आपको वही 12-13 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब वाला माइलेज मिलने वाला है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इको मोड पर स्टिक रहते हैं, इको मोड से आप ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको माइलेज बढ़िया मिलेगा। और ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए या फिर इसका स्पोर्टी कैरेक्टर जीना है। तो जो आपको जीना है वो आपको सोचना है, लेकिन ये गाड़ी आपको बहुत सारे विकल्प दे देती है, क्योंकि जब विकल्प आपको चुनने के लिए मिल जाए तो जो आपका मन करे वैसे आप परफॉर्म करिए। गोवा में हूँ, खुली सड़कें हैं, और मैंने इसे हाईवे पे भी जिया, मैंने इसे सिटी में भी जिया, और मैंने इसे काफ़ी कुछ चलाया एक नॉर्मल ट्रैफिक में। तो वहाँ के लिहाज से मैं बोल सकता हूँ कि ये गाड़ी अच्छी है, और मुझे लगता है रेनो के लिए एक बढ़िया विकल्प बन के आई है, जहाँ पर सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बोले कि जो जिस शुरुआत की ज़रूरत थी रेनो को, इस काइगर ने दे दी है, और मुझे लगता है कि लोग इसे पसंद करेंगे, और इसको बुकिंग भी अच्छी मिलेगी। अगर आप मैग्नाइट से कंपेयर करके देखना चाहेंगे तो वहाँ बता दूँ आपको कि मैग्नाइट एक ऐसी गाड़ी है जो अभी निसान के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट अब साबित हुई है, लेकिन रेनो के पास बढ़िया अभी नेटवर्क है। अगर निसान की तुलना में आप देखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी बातें इसके फेवर में जाएंगी, और वो जाना लाजमी भी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। रियर सीट पर आपको स्पेस कैसा मिलता है उसकी भी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति मिलेगा तो यहाँ पर भी मुझे थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, पीछे भी आपको थाई सपोर्ट उतना नहीं मिलने वाला है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति बैठेगा तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, और इसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत सारी गाड़ियों में। तो बहुत सारी चीज़ों को अगर कंपेयर करना शुरू करोगे तो मुझे लगता है कि ये चीज़, ये गाड़ी आपको बहुत सारी जगहों से हो सकता है डिसअपॉइंट कर जाए। लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग पैचेस पर चला रहे होंगे, छोटे ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे, तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे से जो ख़राब रास्ते हैं उसको अपने अंदर ये खींच लेती है, और बाहर की आवाज़ भी अंदर नहीं आती, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पर इसे ले जाने की कोशिश की जो उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसने इम्प्रेस किया इस गाड़ी ने मुझे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ में आपको पसंद आया होगा। बहुत कुछ अभी करना बाकी है, करेंगे, क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ आना है आपके लिए। लेकिन साथ में बताता चलूँ, जो इसका टर्निंग रेडियस है वो आपको अच्छा लगेगा, और इम्प्रेसिव है इसका जो ड्राइविंग मोड जब चेंज होता है वो आपको बहुत प्रभावशाली लगेगा। अब मैनुअल चला रहा हूँ तो बहुत सारे विकल्प इसमें मिला नहीं है, अभी इसका AMT का ड्राइव आना बाकी है आपके लिए, CVT का ड्राइव करूँगा जो कि क्रूज़ कंट्रोल के साथ आती है, तो बहुत कुछ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तब तक आप इंतज़ार करिए, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको काइगर पर दिखाने वाला हूँ। तो एक बात तो तय है कि इस काइगर के आने के बाद में अब सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में वैरायटी बढ़ गई है। चुनना आपको है कि आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से इसका ड्राइविंग मोड परफॉर्म करता है। जिस मोड को आप चुनते हैं वहाँ पर उसी हिसाब से ये काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कुछ मुझसे रह गया है, कोई बात नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi, सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए।